नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 70X 5G versus Nokia C32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 70X 5G में 6.52 इंच जबकि C32 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 70X 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 70X 5G में 3 इंच जबकि C32 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 70X 5G में 0.3 इंच जबकि C32 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 70X 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 70X 5G में 188 ग्राम जबकि C32 में 199.4 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 70X 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 70X 5G में 6.72 इंचेस जबकि C32 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 70X 5G में 1080x2400px FHD Plus और C32 में 720x1600px HD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70X 5G में 86.51% जबकि C32 में 81.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 70X 5G में 392 पिक्सल प्रति इंच जबकि C32 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 70X 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में आई सेंसर देखने को मिलता है। और C32 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 70X 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C32 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 70X 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और C32 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 70X 5G में माली G57MC2 जबकि C32 में पावर VRGE8322 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 70X 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus और C32 में UNISOC मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 70X 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि C32 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 70X 5G में अप टू 2TB जबकि C32 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 70X 5G में Android V14 जबकि C32 में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 70X 5G में 2 कलर्स जबकि
C32 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 70X5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C32 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 7,480 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 7,995 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Narzo 70X5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Nokia C32 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 70X5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200E5G है, दूसरा Moto G044G है, तीसरा Nothing Phone 2A5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।